ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ हमेशा जवान और ख़ूबसूरत रहने का। अब आपकी मुट्ठी में, बल्कि कहना चाहिए आपकी मुट्ठी में नहीं, आपकी चुटकी में। जी हाँ, मैं बात करने लगी हूँ अलसी की, जिसको फ्लैक्स सीड्स कहते हैं। ये फ्लैक्स सीड हमारे लिए कितने बेनिफिशियल है और ये कितने पावरफुल बेनिफिट्स रखते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से करें कि एक तरफ आप बड़े बड़े कंपनीज के फूड सप्लीमेंट्स और उनके मल्टी विटामिन्स 1,00,000 रुपये के रख दें, और दूसरी तरफ आप 1 स्पून फ्लैक्स सीड्स को रख दें, तो फ्लैक्स सीड इन सब पे हावी होगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोगों को बता सकूं कि अलसी के बीज से ज़्यादा फ़ायदा आप कैसे हासिल कर सकते हैं और ये किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है और बहुत यूज़फुल है। इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से आखिर तक देखिएगा, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, कि इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बेनिफिशियल टिप्स आपको इसमें बताई जाएंगी, और इसमें वो तरीका भी बताया जाएगा कि जिस से आप बहुत ज़्यादा अलसी से आप डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ भी बना सकते हैं, और इसको अपनी डेली रूटीन में आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि अलसी की तासीर कैसी होती है। तो चले मैं आपको बता देती हूँ, अलसी की तासीर गर्म होती है, और अगर आप इसको इस्तेमाल में रखें तो जिन लोगों के कमर और जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, तो वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इन तमाम प्रॉब्लम से उनको निजात मिल सकती है। अलसी के मुसलसल 1-1.5 महीने के इस्तेमाल से आपका वज़न तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो जाता है और आप काफ़ी अच्छा फ्रेश फील करते हैं। इसमें फ्लैक्सीड्स में ओमेगा 3 से ये भरपूर होता है। ओमेगा 3 आपके दिल, दिमाग, फेफड़े, जिगर, ब्लड के लिए और ब्लड के सिस्टम के लिए हेल्दी बनाता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये बड़ा हेल्प करता है। फ्लैक्सीड्स के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट और एस्ट्रोजन प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी में कैंसर को पैदा होने और बढ़ने से रोकते हैं। इसके अलावा बॉडी में पैदा होने वाले छोटे बड़े ट्यूमर का ये खात्मा करते हैं। ये वजह है कि इसके इस्तेमाल करने से आपको कैंसर में काफ़ी सारी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। अलसी का इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से खून में ग्लूकोज को लेवल कम होता है। इसके जो खून में ग्लूकोज के लेवल को 10 से 20% तक ये कम करता है। अलसी के अंदर हाई प्रोटीन बड़ी अच्छी क्वालिटी में मौजूद होता है, लिहाजा जो ऐसे लोग गोश्त वगैरह अंडे इस्तेमाल नहीं कर सकते वो अलसी को इस्तेमाल करें, इससे इनको प्रोटीन को बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और इनकी जो बाकी और कमी है वो भी दूर हो सकती है। अलसी के बीज का इस्तेमाल करने से आपका वज़न तेज़ी से कम होता है। अक्सर जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं बगैर किसी साइड इफेक्ट और प्रॉब्लम के, तो वो इजीली अलसी के इस्तेमाल से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसे गुड फैट्स मौजूद होते हैं जो जिस्म की फालतू चर्बी को बहुत तेज़ी के साथ पिघलाते हैं, और इसके इस्तेमाल से भूख भी कम लगती है और यह आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। लिहाजा जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है। ये खून की नालियों में जो जमने नहीं देते कोलेस्ट्रॉल को, और उसकी ब्लॉकेज को दूर करता है। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप फ्लैक्स सीड्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए और इसको ग्राइंड करके इसके एक पाउडर बना लीजिए, और क्योंकि इसके ऊपर का छिलका हार्ड होता है और इसको हाजमे के लिए देर लगती है, तो आप इसको अगर पाउडर बना के इसको जार में सेव कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कोशिश कीजिए कि सिर्फ 1 वीक तक आप इसको पाउडर बना के सेव कीजिए और इसको इस्तेमाल कीजिए। इसको आप सुबह नहार मुँह भी ले सकते हैं 1 टेबल स्पून, और इसको आप वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
और इसको आप दही के रायते में, लोग रोटी में यूज़ करते हैं, लोग अपने दलिए में यूज़ करते हैं, लोग राइस बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, अपनी सब्ज़ी में डालते हैं। आप इसको अपनी सब्ज़ी में, अपने खानों में, अपने ब्रेकफास्ट में, अपने लंच में, अपने रायते में या चटनी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको अपने शेक्स में आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट फूड्स के साथ आप इसको अगर अपनी रूटीन में यूज़ करें, इस्तेमाल करें, तो इसके बेशुमार फ़ायदे आपको मिलेंगे और आप सदा जवान और हसीन नज़र आएंगे। और ये बढ़ती उम्र के असरात को बहुत तेज़ी के साथ कंट्रोल करता है। लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं जो आप इतने यंग हो, इतने हेल्दी हो, इतने एनर्जेटिक नज़र आते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर ज़रूर पसंद आएगी, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।